इंदौर में बीजेपी के पूर्व पार्षद राजेंद्र चौहान को लोगों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल राजेंद्र चौहान ने जारी लॉकडाउन के बीच रामानंद नगर के वार्ड नंबर 5 में 5-5 किलो आटे के पैकेट बंटवाए, लेकिन लोगों ने सभी आटे के पैकेट वापस कर दिए। लोगों का कहना था कि एक तो 50 दिन के बाद लोगों की सुध लेने आए हो और ऊपर से सरकारी राशन को पार्टी का बताकर बांट रहे हो। राजेंद्र चौहान के प्रति लोगों की नाराजगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि रामानंद नगर की एक गली में बीजेपी के पूर्व पार्षद चौहान और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री बांटी। पहले तो गली के सभी लोगों ने 5-5 किलो आटे के पैकेट ले लिए। लोगों को लगा कि ये राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से बांटी जा रही है, लेकिन कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी का बताया तो लोग भड़क गए और विरोध करते हुए कहा कि लॉकडाउन तो 50 दिनों से जारी है, आप लोग तब से कहां थे। इनके साथ ही लोगों ने राजेंद्र चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की राहत सामग्री को अपना बता रहे हो। गुस्से में सभी लोगों ने आटे का पैकेट ले जाकर गली के बाहर रख दिया और पूर्व पार्षद से सभी आटे के पैकेट ले जाने के लिए कहा। ऐसे में बीजेपी के पूर्व पार्षद राजेंद्र चौहान के लिए ये बेहद शर्मनाक बात है कि लॉकडाउन की स्थिति में भी वो घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।